पूर्व सांसद आनंद मोहन को जेल से रिहा कर दिया गया है और थोड़ी देर में ही आनंद मोहन पटना में एक रोड शो करने वाले। आनंद मोहन की रिहाई पर उनकी पत्नी ने बिहार सरकार और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। 2012 के मैनुअल के आधार पर रिहाई की गई है, ये सचिव का कहना है। आनंद की रिहाई पर अब मुख्य सचिव का बयान आया है, सुनाते हैं आपको। क्या है प्रशासनिक और पहले से चली आ रही है और इसमें किसी तरह का कुछ नियम के पालन में कोई कमी नहीं की गई है, यही बातें आपको बतानी थी और आपने इसको धैर्य के साथ सुना, इसके लिए मैं आपसे आपको धन्यवाद देता हूँ। बारी 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 मैं सबको अवसर दूंगा। पहले नियम से है, फिर बवाल क्यों हो रहा है? पहले आप पीछे आपका सवाल और फिर आपका सवाल, उसके बाद पीछे जो बोल रहे हैं कोई भी आदमी आपका भी, तीन, एक दो तीन चार पाँच, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ के भाग जाऊँगा, इसलिए किसी को अगर देर लगे तो ये ना हो। देखिए जो आपत्तियां हो रही हैं वो निराधार हैं और यही बताने के लिए मैंने आप सबको आमंत्रित किया है और जितने विस्तार से मैंने आपको नियम भी बताया और प्रक्रिया बताई और जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, एक कमेटी भी है और डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट है, एसपी की है, न्यायिक सदस्य दो कमेटी में हैं, एक ट्रायल जज भी हैं जो जिले से रिपोर्ट भेजते हैं, तो इसमें किसी तरह की आपत्ति या विवाद की गुंजाइश बनती नहीं। मैं बताता हूँ, ये आईएएस वाली बात भी गलत आ रही है। जो नियम था या नियम है या उसमें कुछ संशोधन किया गया है जो सबको पता है, उसमें पहले भी आईएएस का कोई अलग कैटेगरी नहीं था, आईएएस का उल्लेख नहीं था। जो नियम था वो लोक सेवक की हत्या का था। लोक सेवक कोई भी हो सकता है, चौकीदार हो सकता है, सिपाही हो सकता है, राजस्व कर्मचारी हो सकता है, कोई भी राजपत्रित अधिकारी हो सकता है, उससे बड़ा अधिकारी हो सकता है, आईएएस आईपीएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो सकता है। तो आईएएस के लिए न तो कोई पहले विशेष व्यवस्था थी और न अभी है, और सेवा के आधार पर भेदभाव हो भी नहीं सकता है। तो आईएएस आईएएस जो बात हो रही है, आईएएस का इशू, आईएएस के बारे में कोई बंधन प्रतिबंध पहले भी नियम में नहीं था, अभी भी नहीं है। आईएएस का तो उल्लेख तक नहीं था पुराने नियम में। देखिए लोक सेवक का इसलिए हटाया गया कि जो लोक सेवक हैं और जो दूसरा कोई नागरिक है, ये महसूस किया गया कि उसमें कोई अंतर करना ठीक नहीं होगा, इसलिए हटाया गया। लेकिन हटाने के बाद भी जो परिहार की शर्तें हैं, 14 वर्ष 20 वर्ष, अच्छा आचरण, डिस्ट्रिक्ट से फेवरेबल रिपोर्ट, वो सारा रखा गया है। ऐसा नहीं है कि वो हटाने के साथ साथ बाकी चीज़ें भी हटा दी गई हों और बिल्कुल खुला कर दिया गया हो कि तुरंत रिहा करो, वैसा नहीं है। बाकी सारी शर्तें पूरी करनी पड़ रही हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी शर्तें पूरी नहीं करनी पड़ रही हैं। बाकी शर्तें जो थी प्रक्रिया की, जो मैंने आपको विस्तार से समझा दिया, उसे दोहराऊंगा नहीं। Z News।